गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सेट्स पावर्ड बाय gksection.com। जैसे कि आप जानते हैं, 3rd November 2020 है, तो इस वीडियो में आपके सामने मैं 3rd November 2020 के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। ये सभी करंट अफेयर डेली एनालिसिस और PIB से बनाए गए हैं। ये सभी करंट अफेयर आपकी SSC, UPSC, रेलवे और बैंकिंग के होने वाले एग्जाम में सहायक होंगे। आप इन करंट अफेयर की PDF हमारी वेबसाइट gksection.com या हमारे टेलीग्राम चैनल gksection.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस बैंक के पूर्व MD आदित्य पुरी को कॉर्लाइल ग्रुप में एशियाई बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है HDFC बैंक। ये है HDFC बैंक के पूर्व MD एंड CEO आदित्य पुरी, जिनको कॉर्लाइल ग्रुप में एशियाई बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। वे कॉर्लाइल के उभरते हुए बाजारों में नए अवसरों के बारे में गाइडेंस देंगे। बता दें कि आदित्य पुरी जी है वो वर्ष 1994 से, जब HDFC बैंक की स्थापना हुई थी तब से HDFC बैंक के साथ हैं। उन्हें 94 में ही HDFC बैंक का CEO नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 यानी कोरोना वायरस के बीच पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने हाल ही में COVID-19 या कोरोना वायरस के फैलने के डर से पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोरोना वायरस रोगियों के साथ अन्य लोगों को हृदय श्वास और संबंधी में दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि लोगों को सांस लेने में या फिर फेफड़ों से संबंधी कोई भी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से राजस्थान सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है मेरी सहेली। भारतीय रेलवे ने हाल ही में मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। इस मेरी सहेली पहल रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई है। इस पहल से ट्रेन के छोटे या लंबे मार्ग में जाने वाले महिला यात्रियों को सुरक्षा की भावना पैदा होगी और महिलाओं के लिए यात्रा सुगम और आसान होगी और सुरक्षित भी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निवासी और प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए कौन सा अनूठा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वैभव शिखर सम्मेलन, जिसकी फोटो मैंने आपके सामने प्रकाशित की है। वैभव शिखर सम्मेलन, जिसे वैभिक भारतीय वैज्ञानिक समिट भी कहते हैं, इसका हाल ही में आयोजन किया गया है। इसका हाल ही में आयोजन करने का उद्देश्य यह था कि इसमें लगभग 2600 प्रवासी भारतीयों ने सम्मेलन में ऑनलाइन पंजीकरण किया है। इस सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के नए और उभरते क्षेत्रों की सहयोग की संभावना पर विचार किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं। इन्होंने हाल ही में जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने उद्घाटन करते समय समारोह में कहा कि आज का दिन मानसर क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक है। मानसर झील विकास योजना 70 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आज पूरी हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसे अपना निर्देशक नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है अभय चौधरी। ये हैं अभय चौधरी, जिन्हें हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया ने अपना निर्देशक नियुक्त किया है परियोजना के लिए। साथ ही कहा जाए तो ये अभय चौधरी जी हैं, इन्होंने NIT दुर्गापुर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है। अभय चौधरी इससे पहले कार्यपालिका निर्देशक और CMD समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, यानी इनको तजुर्बा है कार्य करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की महिला पहलवान रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार कौन सी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है तीसरी बार। यह भारतीय महिला पहलवान रितु फोगाट है, जिन्होंने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था।
और इन्होंने ही हाल ही में सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो बात करते हैं, उन्होंने उन्होंने इस खिताब के तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया के नाउ से प्रोव को दूसरे दौर में हराकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 27%। केंद्र सरकार ने हाल ही में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। यह आरक्षण नीति शैक्षिक सत्र 2021-22 में लागू होगा। सरकार के मुताबिक प्रत्येक सूची में 15% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि 7.5% सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गिलगित बल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के लिए किस देश के फैसले को खारिज कर दिया है? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में वहाँ की सरकार इमरान सरकार ने गिलगित बल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के फैसले को खारिज कर दिया है कि भारत ने खारिज कर दिया। गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के उत्तरी पश्चिमी में स्थित अत्यधिक ऊंचाई यानी सबसे ऊंचाई वाले एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत और किस देश के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग बढ़ावा देने के तरीकों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है? इसका सही उत्तर है ग्रीस। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियास, कौन है ग्रीस के विदेश मंत्री? निकोस डेंडियास के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी में आपसी सहयोग बढ़ावा देने के तरीके पर चर्चा हुई है। साथ ही इन दोनों देश के यानी भारत और ग्रीस के मंत्रियों के बीच प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिकी और सांस्कृतिक पर सहयोग बढ़ाकर इन दोनों की ऐतिहासिक मित्रता पर चर्चा भी की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे वीडियोस की पीडीएफ यानी हमारे करंट अफेयर की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।